ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ आपके फोन की घंटी बज जाए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुषी एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। और जो 2020 नया साल ये आया है, इसकी फर्स्ट वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने अपनी शिमला ट्रिप की एक वीडियो शेयर की है, फोटोज वहाँ के और क्या क्या किया वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया था। बट वो वीडियो मैंने शूट करी थी दिसंबर में, और जनवरी की ये फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपके जितने भी काम अटके हुए हैं, जो चीजें आप नहीं कर पा रहे हो, आप सोच रहे हो करने की, वो आप सब कर लो। और ढेर सारा नया उमंग, नया प्यार, नया जोश लेकर आए ये साल आपके लिए। और अपने लिए मैं विश कर रही हूँ कि मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर ऐड हो जाए मेरे चैनल पे, और जिसमें आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है, प्लीज मेरे वीडियोस जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया करो। शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, फेसबुक यूज कर सकते हो, मैसेंजर यूज कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां जाके मेरे वीडियो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में। और प्लीज मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को पहुंचाइए ज्यादा लोगों तक, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज एक थम्स अप दे दिया करो, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे हैं। जो भी आपका फीडबैक है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके भी दे सकते हो, अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कोई रिक्वेस्ट हो जो आप चाहते हो जिसपे मैं वीडियो बनाऊं, वो आप मुझे बता सकते हो। तो कॉमेंट जरूर किया करो, बिकॉज इससे ही हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। और एक लाइक भी जरूर दे देना प्लीज, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो। और भी मेरी जितनी भी वीडियो है वो जरूर देखिए जाके। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं और बात करते हैं आज की वीडियो की। आज हम बात करने वाले हैं बालों के बारे में। तो विंटर्स के दिनों में बालों का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें विंटर्स के टाइम पे, जैसे कि बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए, रूखे सूखे हो गए, या स्प्लिट एंड्स हो गए, दो मुहे हो गए, या फिर जैसे कि मुझे प्रॉब्लम है ये ऑयली मेरी जो स्कैल्प है इसकी, कि मेरे बाल जो हैं वो एक दो दिन बाद, धोने के एक दो दिन बाद ऑयली हो जाते हैं, जैसे कि अभी भी हो रखे हैं अगर आपने देखा हो तो ये वाली प्रॉब्लम भी होती है बहुत लोगों को। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे हम आज इस वीडियो में, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या चीजें ट्राई करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखना और लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम बालों को धोते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, हो सर्दियों में गर्म गर्म पानी से नहाना। बट अपने बालों को आप गर्म पानी से थोड़ा सा दूर रखिए। अगर मैं आपको ये तो नहीं बोल सकती कि ठंडे पानी से नहाइए, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है, इतनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है आप तो प्लीज अगर आप ठंडा पानी नहीं यूज कर सकते तो गर्म पानी भी बिल्कुल मत यूज करिए। ल्यूब फॉर्म वाटर का आप यूज कर सकते हैं, गुनगुने पानी का आप यूज करिए, और इतना ही गर्म हो कि पानी की जो एक ठंड होती है ना वो मिट जाए। बहुत ज्यादा उबलता हुआ पानी आप ना यूज करो, बिकॉज उससे क्या हुआ कि आपके बाल जो है वो रूखे सूखे और बेजान से हो ही जाएंगे कुछ ना करके। सिर्फ आप सिर्फ धोने से ही, अपने धोने का जो आपका तरीका है बालों का, उससे ही आपके बालों का जो इफेक्ट है वो देखने को आपको मिलेगा। तो पानी जो है वो आपको ल्यूब फॉर्म वाटर यूज करना है। इसके अलावा बात करते हैं शैम्पू की। तो शैम्पू आप कोशिश करिए कि आप लाइट शैम्पू यूज करें, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स वगैरह ना हो। हर्बल शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि ऐसा शैम्पू यूज करिए जिसमें सल्फेट ना हो, बिकॉज उससे आपके बाल जो है वो काफी ड्राई हो जाएंगे और जो नेचुरल ऑयल है आपके बालों का वो भी खत्म हो जाएगा। तो काफी आपको दिक्कत हो सकती है, बाल आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो प्लीज जितना हो सके स्पेशली विंटर्स में आप लाइट शैम्पू का यूज करिए। इसके अलावा शैम्पू जब भी आप करते हैं उसके बाद आप कंडीशनर का यूज जरूर करिए, बिकॉज कंडीशनर यूज करने से आपके बाल जो है वो मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे नेचुरली ही। और कंडीशनर जो है वो आपको अपने बालों में 4 से 5 मिनट तक लगा के रखना है, छोड़ दीजिए थोड़ा देर, और उसके बाद में आप अपने हेयर को वॉश कीजिए। कंडीशनर जो है वो आपको बालों के यहाँ नीचे की तरफ लगाना होता है, जड़ों में नहीं लगाना होता, और उसके बाद आप उसे जब वॉश करेंगे
बालों को सुखाने के लिए जब आप टॉवल का यूज करते हैं, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि टॉवल ऐसे रगड़ते हैं अपने बालों को या झाड़ते हैं, इन सारी चीजों से भी आपके बालों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि फ्रिक्शन एक पैदा होगा और आपके बालों की जो जड़ें हैं वो भी खींचेंगी, तो इन सारी चीजों से आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो प्लीज ऐसा मत करिए, और अगर आपको अपने बाल सुखाने हैं तो आप बालों में टॉवल जो है वो उसे लपेट के रख सकते हैं, 1-2 मिनट के लिए लपेट के रखिए, उसके बाद खोल दीजिए, तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो टॉवल में आ जाएगा और आपके बाल जो हैं वो उनसे पानी गिरेगा नहीं। उसके बाद आप अपने बालों को खुला छोड़ दीजिए, नेचुरली उन्हें ड्राई होने दीजिए, धूप अगर अच्छी निकल रही है आप धूप में चले जाइए थोड़ी देर। इसके अलावा कुछ लोग यूज करते हैं ड्रायर का बालों को सुखाने के लिए, तो प्लीज मैं आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप उसका कम इस्तेमाल करें। जो भी हीटिंग टूल होते हैं हमारे, जैसे ब्लो ड्रायर हो गया, कर्लर हो गया, या फिर स्ट्रेटनिंग हम करते हैं, ये सारी चीजें बाल जो भी हीटिंग टूल होते हैं बालों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आपके बाल रूखे सूखे रफ तो हो ही जाएंगे, इसके अलावा बाल ब्रेक भी होने लगते हैं बीच बीच में, कई कई लोगों ने देखा होगा कि बालों के बीच में यहाँ पे ब्रेकेज होने लगता है, तो ये सारी चीजें हीटिंग टूल के इस्तेमाल से हो सकती हैं आपके साथ। बहुत ज्यादा यूज मत कीजिए जब जब बहुत ज्यादा आपको इमरजेंसी हो, जरूरी हो, जैसे शादी वगैरह का सीजन है, तब आपको स्टाइलिंग कोई करनी हो तब आप यूज कर सकते हैं, कभी कभार महीने में 2-3 बार, उससे ज्यादा यूज मत कीजिए। और जब आप हीटिंग टूल कर्लर या फिर स्ट्रेटनर यूज करते हैं तो आप अपने बालों में हीट प्रोटेक्टर भी लगा सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपके बालों पे एक प्रोटेक्शन की एक लेयर आ जाएगी, तो आपके बालों को जो नुकसान है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और एक जो हीट प्रोटेक्टर जो मैं यूज करती हूँ वो है पैंटीन का, पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है अपने चैनल पे कि इसको और कैसे कैसे मैं यूज करती हूँ, इसका मैं हेयर मास्क भी बनाती हूँ, वो आप ट्राई कर सकते हो, और नेचुरली भी आप इसे एज अ कंडीशनर भी यूज कर सकते हो, और लिंक मैं आपको ऊपर कहीं आई बटन पे दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर लीजिए। इसके अलावा मेरी एक पूरी सीरीज है स्किन एंड हेयर केयर की, आप वो जरूर जरूर देखना, आपके काम की काफी वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगी। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगी पूरी प्लेलिस्ट का, आप मेरी वीडियोस वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो बालों पे हीट प्रोटेक्टर लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि एक बीच में लेयर आ जाएगी आपके हीटिंग टूल और आपके बालों के बीच में, जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। तो प्लीज हीट प्रोटेक्टर का यूज करिए और कम से कम यूज करिए हीटिंग टूल का। इसके अलावा बात करते हैं कि कितनी बार आपने देखा ना कि आपको जैसे बालों में खुजली वगैरह शुरू हो जाती है, और जब आप खुजाते हो तो आपके यहाँ नेल्स में कुछ सफेद सफेद सा आ जाता है, ऐसा डर्ट भी आपकी आ जाती है, तो अगर इस तरह से आपकी स्कैल्प से कुछ ये सब वाइट वगैरह कुछ निकल रहा है या डेंड्रफ हो रही है आपके हेयर्स में, तो इसका मतलब है कि आपके जो हेयर जो स्कैल्प है, जो बालों की जड़ें हैं वो रूखी सूखी हो गई हैं, उनको मॉइस्चराइजर देने की जरूरत है। और जैसे कि आप अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगाते हो, वैसे ही आपने आप स्कैल्प को अपनी जड़ों में आप मॉइस्चराइजिंग कर सकते हो तेल की हेल्प से, ऑयलिंग आप कीजिए। ऑयलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो ऑलिव ऑयल का, कोकोनट ऑयल का, और सर्दियों में तो बेस्ट होता है मस्टर्ड ऑयल आप यूज करिए। मस्टर्ड ऑयल को आप थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं, गुनगुना करके आप अपने स्कैल्प में जड़ों में अच्छे से मसाज कीजिए, अपने बालों में जो ये नीचे वाले बाल होते हैं लंबे, इनमें आप मसाज कीजिए और 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं, ओवरनाइट भी आप इसे रख सकते हैं, रात को मसाज करके अपने बालों में सो जाइए आप, और सुबह उठ के शैम्पू कर सकते हैं, काफी आपको हेल्प मिलेगी आपके बालों को नरिशमेंट देने के लिए। इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसमें उसमें आप ऑनियन ऑयल का यूज कर सकते हैं, प्याज का तेल ऑनियन ऑयल वो आप यूज कर सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, काफी हेल्प करेगा आपके बालों का झड़ना रोकने में। इसके अलावा आपको एक मैं बता रही हूँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मैं पर्सनली खुद भी यूज करती हूँ और काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है मुझे। और इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आपका नॉर्मल ऑयल आप यूज कर रहे हो मसाज के लिए, जैसे ऑलिव ऑयल फॉर एग्जांपल आपने यूज किया, तो उसमें आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की 3-4 बूंदे डाल दो। इसकी सिर्फ 3-4 बूंदे ही आपको एक बार में यूज करनी होती है, हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे यूज कर सकते हो। तो आप अपने नॉर्मल ऑयल में इसके 3 से 4 बूंदे मिलाइए और फिर आप इससे मसाज करके आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप शैम्पू करते हैं तो आप इसे अपने शैम्पू में भी मिक्स कर सकते हैं, इसके 3-4 बूंदे, और फिर उसे आप शैम्पू भी कर सकते हैं, कंडीशनर में यूज कर सकते हैं आप इसे, और जब आप कंडीशनर लगा के छोड़ोगे अपने बालों में तो इसका नरिशमेंट आपको मिल जाएगा।
तो इसको यूज इस तरह से कर सकते हैं आप, बालों का जो झड़ना है उसमें आपकी हेल्प करेगा, बालों को झड़ने से बचाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें कि जिसकी मेरे जैसी ये ऑयली स्कैल्प हैं, जो 2-3 दिन बाद जिनके बालों की जड़ों में ये इस तरह से ऑयल आने लगता है, तो इस तरह से अगर आप बालों को ज्यादा देर छोड़ेंगे, मतलब उनको धोएंगे नहीं जल्दी जल्दी, तो इससे भी काफी बाल टूटने लगते हैं। तो फटाफट से जब भी आपको इस तरह से ऑयल देखने को मिले, नेक्स्ट डे ही आप अपने बालों को धो लीजिए और ये और इस तरह से ऑयली जो स्कैल्प हैं उनको हटा लीजिए। और इससे क्या होगा कि जो ये है, जो इस तरह से ऑयल आया हुआ है, वो ग्रीसीनेस नहीं पैदा करेगा और बालों को टूटने टूटने का जो कारण बनता है वो नहीं बनेगा। तो बहुत ज्यादा दिनों तक अगर आप ठंड से बचने के लिए अगर अपने हेयर्स नहीं वॉश कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत करिए। सर्दियों के दिनों में भी आप रेगुलरली अपने हेयर वॉश करिए ही करिए। इसके अलावा बात करते हैं खान पान में अपने आप ध्यान दे सकते हैं, उससे भी आपके बालों पर काफी इफेक्ट पड़ता है, ये तो मैं बताती ही रहती हूँ आपको। तो और बालों के लिए जो सबसे बेस्ट होते हैं वो है प्रोटीन्स और विटामिन ई। ये दो चीजें आप अपने खान पान में शामिल करिए, और इनका रिच सोर्स जो है वो है फिश और बादाम। बादाम तो सर्दियों में खाने ही चाहिए, दिमाग भी तेज करता है। तो आमंड आप खाइए, आपके बालों को काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा आप अलग से विटामिन ई का यूज भी कर सकते हैं अपने बालों पे। विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, जो कि आई थिंक 2 रुपए के आसपास का कैप्सूल होता है। आप उसका पूरा पत्ता ले लीजिए और घर पे रख लीजिए। विटामिन ई के कैप्सूल आप और भी बहुत तरह से यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मैं जरूर लेकर आऊंगी आपके लिए वो वीडियो भी। तो विटामिन ई का कैप्सूल आप ले लीजिए, उसको पिन से उसमें छेद करिए और उसका जितना भी रस है उसको निकाल लीजिए। उसे आप अपने ऑयल में मिक्स करके अपने बालों में लगा सकते हो, और वो भी आप हेयर मास्क लगा रहे हो तो भी आप उसमें ऐड करके लगा सकते हो। काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके बालों में। और जो भी आपका सीरम है उसमें भी आप ऐड करके विटामिन ई का कैप्सूल, वो विटामिन ई लगा सकते हो आप, काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि जब हम वॉश कर लेते हैं अपने हेयर्स को, उसके बाद आप सीरम भी लगा सकते हो अपने हेयर्स में। सीरम जो है वो आप कंप्लीटली जब आपके बाल ड्राई हो जाएं उसके बाद भी लगा सकते हो, और जब आधे सूखे हुए आपके बाल हो, आधे गीले हो, तभी भी आप लगा सकते हो। थोड़ा सा अपने पाम पे आप सीरम लीजिए, उसे रब करिए, और यहाँ आपको बालों में नीचे जो खुले बाल हैं वहां आपको सीरम लगाना होता है। आपके बालों को काफी स्मूथ कर देगा, शाइनी बना देगा, और उलझेंगे भी नहीं आपके बाल ज्यादा। जो मैं प्रिफर करती हूँ सीरम वो है लेवॉन का सीरम। बहुत टाइम से मैंने यूज किया हुआ है, कर रही हूँ अभी भी, और काफी सही लगता है मुझे। तो आप वो ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो लेवॉन का सीरम मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप वो ट्राई कर लेना। इसके अलावा हम बात करते हैं हेयर स्पा की। तो हेयर स्पा जो है वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है अपने बालों को नरिशमेंट देने का। तो आप पार्लर जाके या सलून जाके आप हेयर स्पा ले सकते हैं। इसके अलावा आप घर में भी छोटे मोटे हेयर मास्क लगा सकते हैं घर में, और अपने हेयर्स का ध्यान रख सकते हैं। आप अपने बालों में स्टीमिंग दे सकते हैं, जब आप ऑयलिंग करते हैं ऑयलिंग के बाद में आप स्टीम दे सकते हैं अपने हेयर्स को। या तो आपके पास स्टीमर हो उससे आप स्टीम दे दीजिए, या फिर आप क्या करिए कि एक टॉवल लीजिए, उसे गर्म पानी में या गुनगुने पानी में डुबो के निचोड़ लीजिए और उस गर्म तौलिए को लपेट लीजिए अपने बालों में। इससे क्या होगा, आपके बालों को स्टीम मिलेगी, आपकी जो स्कैल्प है उनको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो आप स्टीम दे सकते हैं। इसके अलावा हेयर मास्क आप लगा सकते हैं, घी का हेयर मास्क मैंने बताया था अपने चैनल पे, आप लगा सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप घी जो जिनके रूखे सूखे बाल हैं उनको तो काफी ज्यादा हेल्प करेगा घी का हेयर मास्क। तो आप थोड़ा सा घी ले लीजिए कटोरी में, उसे गर्म कर लीजिए, पिघला लीजिए, उसके बाद उसमें आप ऐड कर सकते हैं बादाम के तेल की कुछ बूंदें या फिर ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदें। इसके अलावा एलोवेरा जेल आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। विटामिन ई का कैप्सूल आप उसको पिक करके उसमें छेद करके विटामिन ई का जो कैप्सूल है उसको उसमें डाल लीजिए, और फिर उस सब चीजों को मिला के आप अच्छे से मसाज करके अपने बालों में रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, लाइक 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। इस तरह से आप हेयर मास्क ये वाला लगाइए रूखे बालों के लिए, घी वाला ये हेयर मास्क काफी आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा आप एग का यूज कर सकते हैं हेयर मास्क बनाने में। एग जो है वो एक नेचुरल केराटिन है जो कि आपके बालों को बहुत ज्यादा पोषण देने का काम करेगा। तो आप एग
को लेके उसे तोड़ के उसे फेंट लीजिए, और सेम उसमें भी आप एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हैं, विटामिन ई मिक्स कर सकते हैं, और आप उसको अपने हेयर्स पे अप्लाई करिए और उससे भी काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। दही आप यूज कर सकते हैं, नेचुरल कंडीशनर का काम करेगा दही। फ्रिज का रखा हुआ नहीं, थोड़ी देर बाहर उसको छोड़ दीजिए, फ्रेश दही लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और उसको यहाँ अपने बालों में आप हल्की सी मसाज करिए, और सेम उससे भी आप हेयर वॉश कर सकते हैं उसके बाद। तो ये सारी चीजें जो हैं नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल कंडीशनर हैं, और काफी हेल्प करेंगे। आप मार्केट में तो कर ले ही सकते हैं मार्केट वाली चीजें, ये घर की चीजें भी कुछ ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आपके बाल गीले होते हैं उसमें कंघी मत करिए, और हमेशा चौड़े दांतों वाली कंघी का यूज करिए। बिकॉज क्या होता है ना कि गीले बालों में अगर आप कंघी करेंगे, अगेन बाल खिंचेंगे, जड़े खिंचेंगे, और बालों को टूटने का ज्यादा चांसेस होगा। अगेन अगर आप पतली कंघी यूज करेंगे और बालों को सुलझाएंगे तो बाल ज्यादा टूटेंगे। तो चौड़े दांतों वाली कंघी से पहले बाल सुलझा लीजिए, उसका यूज करिए, और गीले बालों में कंघी मत करिए। इन सब चीजों का ध्यान रखिए, और आई होप ये सारी जो टिप्स मैंने आपको बताई वो आपके काम आए। और इसके अलावा कोई भी आपको चीज पूछनी हो तो मुझे कमेंट आप कर ही सकते हो। और आज की वीडियो के लिए था इतना ही, आई होप मैंने आपकी हेल्प करी हो, और करी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दे देना। और मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।